समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण किया था। मैच साथ मैच नहीं हुआ, जो शूद्र कहते हैं, जो भारत के लोग हैं, असली नुमाइंदे है एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम सिख, ये ओरिजिनल भारत के लोग हैं। इन लोगों के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय गौतम बुद्धांनी किंवा बाबासाहेबांनी कधी हे सांगितलंच नाही का कुठल्या धर्माच्या मार्गावर चाला, सत्याच्या मार्गावर चाला, माणुसकीच्या मार्गावर चाला, बाकी कुठल्या धर्मात त्यांनी जिकर केलेला नाही। एवढंच बोलतो, नमस्कार। आज का जो ये प्रोग्राम था, ये किसके तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? ये प्रोग्राम जमात इस्लामी की जो भिवंडी यूनिट है उसकी ओर से आयोजित किया गया था, और ये जो राज्यव्यापी मुहिम चल रही है अंधेरे से उजाले की तरफ, इसके तहत ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसमें किनको किनको शामिल किया गया था और आखिरी ये कॉन्सेप्ट क्यों लाना पड़ा सामने? देखिए, इसमें वैसे तो समाज के सभी वर्गों के लोगों को, सभी धर्म के मानने वाले और सभी जात के लोगों को इसमें बुलाया गया था, और सुनने के लिए, बोलने के लिए जमात के कुछ पदाधिकारी थे, और उनके अलावा एक बाम सेफ के भी साहब थे जिन्होंने के अपने विचार प्रकट किए। इसका उद्देश्य ये है कि हम जिस धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को, उसमें जो उजाला है, वो जो ईश्वर का मार्गदर्शन है, उसको उजाला और प्रकाश कहा गया है। और कुरान हमको ये आवाहन देता है कि हम जो है वो अंधेरे से निकल के उजालों की तरफ आएं, हम स्वतः और समाज के लोगों को भी अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ आने का आवाहन करें। ये हमारा उत्तरदायित्व है, और इस उत्तरदायित्व को अदा करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया, सबको बुलाया गया, और ये जो कुरान का संदेश है वो सब लोगों के सामने रखा गया ताकि वो इस पे गौर करें और अंधेरे से निकल के उजाले की तरफ आए। सर, जो प्रोग्राम रखा गया था इसमें बहुत सारे लोग आए थे अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जाति से, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सवाल जवाब यहाँ पे हुए? अच्छा, जो कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला होता जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्रातर्फे, जी मोहीम चालवण्यात येत आहे 22 जानेवारी ते 31 जानेवारी दरम्यान, त्याचाच एक भाग म्हणून भिवंडी जमात इस्लामी हिंदतर्फे हा एक कार्यक्रम घेण्यात आला। या कार्यक्रमामध्ये सर्व धर्मांच्या लोकांना बोलावण्यात आलं होतं, आणि सर्व लोकांनी याला चांगला प्रतिसाद दिला, अनेक लोकांनी प्रश्न विचारले, आणि त्याचं स्पष्टीकरणसुद्धा या ठिकाणी देण्यात आलं। एकंदरीत हा कार्यक्रम एकदम चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी झाला, आणि लोकांनीसुद्धा त्याबद्दल आपला उपदेश आणि बोध घेतलेला आहे। हा कार्यक्रम महाराष्ट्रामध्ये 31 जानेवारी 2021 पर्यंत चालू राहील, आणि त्याच्यानंतर जमात इस्लामी हिंद हे नेहमीच अशा प्रकारचे कार्यक्रम घेत असते, आणि नेहमी लोकांना प्रकाशाकडे बोलावत असते।